आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हैकिंग को सिनेमा में कैसा दिखाया जाता है। कि आपको जो दिखाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे कोड चल रहे हैं, एक जीनियस बैठा हुआ है जिसके आसपास चार पांच कंप्यूटर हैं और दुनिया को जीत लेने की बात करता है वो एक कंप्यूटर से। इसमें सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है या झूठ है, ऐसा क्यों दिखाया जाता है? हम लोग यूनिवर्सिटी की मेन फ्रेम तक पहुंच चुके हैं। कौन से फ्रेम तक? अबे यूनिवर्सिटी के बैंक तक पहुंच चुके हैं, बस ताला खोला और पेपर हमारे हाथ में। दैट्स राइट, बस पासवर्ड टिक बैठना चाहिए। वो भी बैठ जाएगा यार, लेकिन ध्यान से सुनो गाइस। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सच्चाई बताई जाएगी कि हैकिंग कैसे होती है, कैसी चीजें उसमें काम करती हैं, तो आपको वो मूवी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। सिनेमा का यही रूल है कि कोई भी चीज को थोड़ा सा ओवर और ज्यादा दिखाना ताकि लोगों को देखने में से 2-2.5 घंटे में मजा आए। अगर वो मूवी 18 घंटे की हो जाए और उसमें एक हैकर पहले चाय पिए, फिर घर जाए, अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, फिर बैठ के सोचे लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए आपको वो चीज़ें तुरंत क्विकली होते हुए दिखाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, हैकी मिस्टर रोबोट, हैकी बहुत सारी मूवीज़ हैं और इंडिया में भी ये मूवीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो ये इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती, सच्चाई इससे बहुत अलग है। जो ज़्यादातर हैकर्स होते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, या ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैकर्स भी होते हैं, चाहे वो एथिकल हैकर्स हों चाहे वो ब्लैक हैट हैकर्स हों, उनके बहुत सारे पोपट पंटू फेल हो जाते हैं। पोपट पंटू फेल मतलब, देखो क्या होता है कि जो हैकिंग की जो मेन चीज़ है वो वल्नरेबिलिटी के ऊपर काम करती है। कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो हैक हो सकती चीज़ें, सिंपल, हम ये बात जानते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया जानती है, गूगल बताता है ये चीज़ें, सब लोग बताते हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैच होती हैं, तो आज आपके पास कोई हैकिंग ट्रिक है वो हो सकता है आने वाले वक्त में काम ना करे। और हम इंसान हैं, हम हर दिन अपने सारे एक्सप्लॉइट और सारे स्क्रिप्ट और सारी ट्रिक्स को चेक मैनुअली नहीं कर सकते, इसीलिए कभी कभी पंटू पोपट हो जाता है। और पंटू पोपट से मेरा मतलब है जो सही की जो हैकिंग हो रही है, चाहे वो इथिकल हैकिंग हो चाहे ब्लैक हैट हैकिंग हो, वहां पर बहुत सारी स्क्रिप्ट लगाई जाती हैं, अलग अलग एक्सप्लॉइट चेक किए जाते हैं वन बाय वन। ऐसा होता है कि जैसे 18 लगाए गए उसमें से 2 ही काम किए। और यही चीज़ अगर आपको मूवी में दिखाई जाएगी कि एक हैकर ऐसे टांग ऊपर करके अपने टेबल पे उल्टा पड़ा हुआ है, ऐसे मूंगफली के छिलके पड़े हुए हैं, कंप्यूटर ऐसा है और ऐसा ही है, बस खटाल से मैं बैठा है और एक के बाद एक स्क्रिप्ट ट्राई कर रहा है, वो F को R टाइप कर रहा है, R को K, फिर बैक 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 स्पेस करके उसको इरेज कर रहा है, ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। ये चीज़ आपको देख के लगेगी अबे कौन है ये हैकर है, नहीं है। इंडियन, अभी इंडियन कल्चर में, इंडियन मूवी कल्चर में, या अभी जो टीनेजर्स के बीच में हैकर की एक बहुत अलग इमेज है। हैकर की ऐसी इमेज है कि वो जादूगर है और पलक झपकते ही, बटन दबाते ही इस दुनिया की किसी भी वेबसाइट को चुटकी में हैक कर सकता है। अगर कोई हैकर फेसबुक हैक नहीं कर सकता तो वो हैकर नहीं है, नहीं है। ऐसा है तो ये चीजें लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा अलग हैं, और ये इसलिए है क्योंकि लोग ऐसी मूवीज देखते हैं और लोगों से ऐसी बातें सुनते हुए आते हैं, जबकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। बड़े से बड़े हैकर का भी पंटू टप्पू पंटू पोपट हो जाता है, और ये सही बात है, इसलिए मूवी में ये ज्यादा ऐसे अलग चीज दिखाई जाती है। आई होप आपको पता चल गया होगा। ऐसी बहुत सारी इंसाइडर्स चीज़ें हैं जो आपको हैकिंग के बारे में पता तो है लेकिन गलत पता है, और धीरे धीरे वो मैं कवर करूंगा और आपको इसकी चीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेस है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।